तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका अपना पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर। ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना। बुजुर्गों के अपने अपने रंग है, तो मुझसे ना बड़ा प्यार था उनका। मैं एक दिन लाहौर से गया सियालकोट। अच्छा, मैं रात थी तो हजरत ने शायद जाते हुए देख लिया होगा। समझ गया, तो लड़का भेज के ना बुलाया। अब तो ये छोटा नोट आ गया ना, पहले 1000 का बड़ा नोट होता था, तो उससे मेरा क्या फायदा? वो बड़ा नोट मुझे दे के ना पहले पकड़ा के फिर कहते हैं मौलवी जी देखो काम कहिए तो साडा कर दे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। मैंने ना तो 1000 का हमने समय कर दिया। तो मुझे कहते हैं भाई मैं तो लाहौर जा नहीं सकता, तो तुम जाते रहते हो तो ये तुम्हारे रास्ते में ना एक मिजार है बाबा छतरी वाली सरकार। अच्छा ये कभी था अब नहीं हुआ, ये मिनारे पाकिस्तान से बिल्कुल पीछे रोड के ऊपर कभी ये मिजार था। जब वो सड़क की तुसी हुई तब ये मिजार रावी के किनारे चला गया। ठीक है जी। ये फरमाने लगे उस मिजार पे मजबूर बुजुर्ग बैठे हैं। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। वो सर्दी बड़ी है और उनके पास कंबल नहीं है कोई भी। ये तुमने कंबल मेरी तरफ से खरीद के उन्होंने देना? मैंने कहा जनाब काम हो जाएगा वो हमारे। आज भी आप 1000 का कंबल खरीदने जाएं तो नहीं मिलेगा, उस वक्त भी नहीं मिलता था कोई गर्म कंबल। तो रहन दो फिर। तो लाहौर में जरा आपको पता है रेलवे के पास लंडा अच्छा मिल जाता है, वहां चले गए खान बाबे से बहस करके ना 1000 के बजाय हमने 800 में कंबल ले लिया। 200 बचा मैंने जेब में रखा, मैं जाके बाबे में दूंगा बड़े खुश होंगे। अब जो मदरसे में लाए फिर दिल में ख्याल आया यार एक अल्लाह के दोस्त ने कंबल ओढ़ने, पता नहीं इसकी नापाकी कैसी है, गलीजा है खफीफा है। क्या क्या बोला तूने? पता नहीं इसकी नापाकी कैसी है, गलीजा है खफीफा है। हमने उनको ना 2-3 पानी से पाक किया, सर्दी थी जरा सूखते टाइम लग गया। यही अदर जी वेला था, असर पड़ गया, हम निकले यही तकरीबन वेला था, मजार पे पहुंचे बंदा कोई नहीं था उधर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन एक ही बंदा था जो सर झुकाए बैठा था और इतना रोब था कि इतनी मतनी हुई कि मैं उसे पूछूं कि हुजूर जा पूछ क्या तुसी मजदूर हो, लेकिन उसकी खामोशी भी चीख चीख के कह रही थी हां मैं ही मजदूर। आखिर अब यही वक्त था मदरसे अपने वापस पहुंचना था मगर तक। मैंने जनाब वो कंबल लेके ना वो बाबा जी के कंधे पे डाला, बोला बाबा जी की कर दे, नहीं बोले। फिर मैंने कंबल उनको उड़ा भी दिया, फिर भी नहीं बोले। मैं अपनी तसल्ली करके जाने लगा तो हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ ली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया, जब उन्होंने कमीज पकड़ी ना वो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनकी तरह मुंह कर लिया। तो फिर मुझे क्या कहते हैं मौलवी जी कंबल तो दे चले, 200 बचा भी तो दे के जाओ ना। कितनी बसीनत है। इसका एंटीना इतना काम करता है, इसको पता है कि कंबल का आधार दिया गया है। बात तो सही है। कंबल 800 का है, 200 इसकी जेब में भी है। मैं कंबल तो देगा लेकिन फिर मौसी सीख के भी आया था, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा हजरत है। कहानियां दिल का हाल जान लेते हैं। आपको पता है ये बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों में, सैयदना उसामा इब्ने ज़ैद से मुतालिक। एक जंग के दौरान काफिर से मुठभेड़ के दौरान जब वो काफिर उनकी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में कलक था, नबी इस्लाम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह इस तरह लड़ाई हुई, वो मेरी तलवार के नीचे आया कलमा पढ़ दिया फिर भी मैंने उसे कत्ल कर दिया। तो नबी इस्लाम फरमाया तूने उसे क्यों कत्ल किया? कि या रसूलल्लाह उसने ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ा था डर की वजह से, अंदरों वो काफिर थी। हो सकता है बात ठीक भी हो, हम भी यही जजमेंट करते, लेकिन नबी इस्लाम ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर लिया था? तो साहबा ने तो नहीं कहा या रसूलल्लाह के औलिया अल्लाह दिल का हाल जान लेते हैं, तो हम तो औलिया के इमाम है। जी मैंने दिल चीर लिया था, और जो कह रहा था उसको भी पता था मैं क्या कह रहा हूं कि कोई नहीं दिल चीर सकता, सिर्फ नबी को वही की ताईद हासिल होती है।